नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में लव जिहाद करने वालों को जेल पहुंचाने के लिए अपने वादे के अनुरूप राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए, जिससे कई सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल हिन्ना पड़े और इस कानून को ही धर्म विरोधी बता दिया। इसके खिलाफ कुछ लोग तो कोर्ट तक चले गए और इसी बीच लव जिहादी अपने मंसूबों को पूरा करने में लगे रहे और प्रदेश में लड़कियों को गुड्डू पप्पू बनकर अपनी जाल में फंसाते रहे। ऐसे ही दो मामले बागपत से सामने आए हैं, जहां पुलिस थाने में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद में एक युवती का अपहरण तो वहीं दूसरी युवती को बंधक बनाकर छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर पुलिस में कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम धर्म के दो युवकों ने एक 18 साल की हिंदू लड़की को घर में बंधक बनाकर उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का आरोप है कि एक लड़की जो कि बचपन से ही अपने मामा के पास बागपत में रहती है, उसे 14 अप्रैल की दोपहर मुस्लिम समुदाय के एक युवक अपने साथ बहला फुसला कर ले गया और साथ ही लड़की घर से 10,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण भी ले गई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि शिकायत होने के बाद भी अब तक लड़की के साथ आरोपी युवकों को बरामद नहीं किया गया है। तो वहीं यूपी पुलिस ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। आप भी समझ सकते हैं, जहां एक तरफ देश से लेकर प्रदेश तक सभी लोग कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लव जिहादियों की जमात अपने लव जिहाद के मकसद को पूरा करने में जुटी हुई है, जबकि इनको बहुत ही सही तरीके से ये पता है कि प्रदेश में लव जिहाद किया तो उसकी सजा कड़ी होगी, लेकिन फिर भी आंखों पर धर्म की पट्टी में अंधे होकर ऐसे लोग ऐसा नापाक काम को अंजाम देते हैं। आपकी क्या राय है लव जिहादियों को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।